हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी का प्रिपरेशन काफी अच्छा चल रहा होगा। इधर 60-62 का भी इंटरव्यू चल रहा है, 64 का। जैसा कि आपको पता होगा कि एग्जामिनेशन का डेट आ गया है और इसका एडमिट कार्ड भी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया 28 नवंबर 2018 से। और 63 का जो मेंस है उसको ही माना जा रहा है, 12-13 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी जो है सभी एग्जामिनेशन एकदम कतार में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं 64 प्रीलिम्स का जो है 28 नवंबर 2018 से डाउनलोड जो है स्टार्ट हो गया एडमिट कार्ड का। आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, समय रहते डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वेबसाइट कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है और फिर पेज एरर आने लगता है। हालांकि अभी भी कभी कभी पेज एरर आता है, तो आप जो इसको डाउनलोड कर लें और उसको सेव कर लें, सुरक्षित कर लें। अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं करवा लें, नहीं तो फिर बाद में प्रिंट करवा लें, लेकिन कम से कम उसको डाउनलोड करके रख लें। और इसके अलावा देखें तो उसमें आप सेंटर देख सकते हैं कि जो 64 का जो प्रीलिम्स है उसका सेंटर कहाँ है, उसके अनुसार आप अपना जो जर्नी प्लान है उसको बना लीजिए। ये आपको काफी मदद करेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए आपको माइंड कूल रहना जरूरी है। अगर कहीं आप बाहर गए हैं तो उसके अनुसार आप जर्नी प्लान बना लीजिए। अगर हम लोग इसका नोटिस देखें जो बीपीएससी दिया था, 16 दिसंबर 2018 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा परीक्षा, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। ये भी आपको टाइम ध्यान रखना है, 12 बजे से 2 बजे तक। तो 11 बजे आप सेंटर पर पहुंच जाइए। 35 जिला मुख्यालय, जो बिहार का 35 जिला मुख्यालय है, वहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। टोटल 808 परीक्षा केंद्र हैं और इसमें सामान्य अध्ययन का परीक्षा होगा। सामान्य अध्ययन के लिए टोटल 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का प्रश्न होगा। तो ये आपको है, अब इसको जो है एडमिट कार्ड आपको पोस्ट के द्वारा नहीं भेजा जाएगा, आपको ऑनलाइन ही इसको प्रिंट करवाना होगा, यानी डाउनलोड करके इसको प्रिंट करवाना होगा, इसको डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा। अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो जो 64 का प्रीलिम्स है उसमें कुछ कुछ सेक्शन पर जिसपे कि आपको ध्यान देना चाहिए। अभी आपके पास मात्र 15 दिन है, 15 दिन की अगर बात करें तो 15 दिन में करेंट अफेयर्स को सबसे ज्यादा आप देखें। करेंट अफेयर्स अभी आप पढ़ेंगे तो एग्जाम तक आपको माइंड फ्रेश रहेगा। अगर पहले करेंट अफेयर्स पढ़े हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अभी कम से कम करेंट अफेयर्स को एक बार फिर से देख लीजिए, ताकि आपको जो है रिविजन करने में आसानी होगी। रिविजन करेंगे तो आपको माइंड में बना रहेगा। कुछ कुछ वैसे पॉइंट जो कि आपको लगता है कि बाबा बोलते हैं तो उसको आप लिख लीजिए। दूसरा जो मेजर पोर्शन है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री अगर आप पढ़ चुके हैं फिर भी इस 15 दिन के दौरान हिस्ट्री एक बार शुरू से अंत तक रिविजन कर लीजिए। और खासकर जो अंडरलाइन किया होगा वैसे वैसे पॉइंट को ही देखिए, वैसे क्वेश्चंस को देखिए जो कि क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते रहता है, तो वैसे क्वेश्चंस को आप जबान पर रख लीजिए। या फिर अगर हम लोग बिहार स्पेशल की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल का लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, 15 से 20 क्वेश्चन भी हो सकता है, वेरी करता है। तो आप इसको ध्यान में रख लें, एक बार बिहार स्पेशल जो भी किताब आपके पास है जो पढ़ा हुआ उसी को पढ़ें, नया किताब अभी नहीं पढ़ें। जो पढ़ा हुआ है अंडरलाइन किया हुआ है, जहां पे लगता है कि यहाँ पे मैं भूलता हूँ, जो आपकी नज़र में लगा है कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको आप अंडरलाइन करके रखे होंगे तो उसको आप अच्छे से कर लीजिए। प्रैक्टिस की बात करें, बहुत सारे कोचिंग संस्थान है जो कि अभी प्रैक्टिस सेट वगैरह मार्केट में आ गया, उनका फोटो कॉपी जेरोक्स कॉपी, तो उसका प्रैक्टिस के लिए जो उसके रूम पे बनाइए, देखिए कि कितना हद तक आप सही बनाते हैं, कहाँ पे गड़बड़ाते हैं। और मुख्यतः जो अभी जो है इस 15 दिन में करंट अफेयर्स को काफी ज्यादा फोकस कीजिए। हालांकि रिवीजन आपको सभी का करना है, लेकिन करंट अफेयर्स जो है ना काफी तेजी से उसको बार बार रिवीजन कीजिए, ताकि आपको जो है एग्जामिनेशन, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा चीज है कि आप एग्जाम देके उसको तुरंत आपको भूलना पड़ता है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं होता है, लेकिन बाकी जो जो चीज है वो सब दिन काम का होता है। तो करंट अफेयर्स आप ऐसा समय पढ़ें कि आप उसको पढ़ें तो तुरंत आपको माइंड में रहे कि मिलिट्री एक्सरसाइज क्या होता है, क्योंकि हमेशा चेंज हो जाता है। तो ऐसे ऐसे चीजों को आप जो है एक बार पढ़ेंगे तो आपकी नजर में रहेगा और फिर उससे आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। अगर 63 की बात करें तो 63 का जो मेंस है वो उम्मीद किया जा रहा है कि इसका एग्जामिनेशन जो है वो 12, 13, 15, 17 इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा एक लेटर जो है वो लिख हो गया है और उसमें बताया गया है कि 63 का जो मेंस का जो एग्जामिनेशन डेट है वो इस शेड्यूल में ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इसका जो है एक पाली में होगा, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक इसको एग्जाम को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा 12 जनवरी, 13 जनवरी, 15 जनवरी और 17 जनवरी है, तो इसको आप ध्यान रखिए। 12 जनवरी को पहला आपका हिंदी लिटरेचर होगा जो कि कॉमन होता है, मतलब उसका मार्क्स आपको ऐड नहीं होता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है। उसके बाद में GS पेपर 1 होगा, फिर GS पेपर 2 होगा और लास्ट में जो होता है वो होता है आपका ऑप्शनल पेपर। तो इसको आप मान के चलिए कि यही आपका एग्जामिनेशन डेट होने वाला है 12, 13, 15 और 17 को, इसके लिए आप तैयार हो लीजिए। मेंस के लिए जो है जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज है, जो जीएस से खासकर GS पेपर 1 में करेंट अफेयर संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक करेंट अफेयर से, मैं उसको आने वाले दिनों में मैं बहुत जल्दी मैं उसको वीडियो में डाल दूंगा, उस सारे टॉपिक्स को इसमें मैं
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे नजर में लगता है कि इसको 63rd का जो मेंस दे रहे हैं उसको ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा एक मैं बेस क्वेश्चन भी डालूंगा जो 63rd मेंस के लिए जो महत्वपूर्ण होता है, वो सारे सेक्शन का पेपर वन पेपर टू का। तो आप लोग तैयारी जो है काफी जोर शोर से तैयारी करते रहिए, और बाकी ऑल द बेस्ट बेस्ट विशेज आप सभी को। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।